शिवपुरी में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। एफआईआर दर्ज। शिवपुरी जिले में 10वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। ये वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। केंद्र प्रतिनिधित्व केंद्र अध्यक्ष संजय पुरोहित ने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी और पकड़े गए फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस को सौंप दिया, जहाँ केंद्राध्यक्ष पर्यवेक्षक कलेक्टर प्रतिनिधि के हस्ताक्षरित प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी के विरुद्ध परीक्षा अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। फोटो मिलान करने पर खुली पोल। केंद्राध्यक्ष संजीव पुरोहित ने बताया कि सोमवार की सुबह 9 बजे परीक्षा शुरू होने के कुछ समय बाद जब कक्ष क्रमांक 12 में अनुक्रमांक 1416255538 पर परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी के नियमानुसार उपस्थिति पत्रक पर हस्ताक्षर कराने कक्ष में तैनात पर्यवेक्षक नरेंद्र कुशवाहा व नीना पहुंचा तो उपस्थित पत्रक में अंकित मूल परीक्षार्थी के फोटो से परीक्षा दे रहे युवक का चेहरा मेल नहीं खा रहा था। संदेह होने पर पूछताछ की तो फर्जी परीक्षार्थी ने स्वीकारा कि वह मूल परीक्षार्थी के स्थान पर आज परीक्षा देने आ गया, जिसके बाद फर्जी परीक्षार्थी को दी गई उत्तर पुस्तिका व प्रश्न पत्र जब्त कर लिया गया एवं उक्त फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक नरेंद्र कुशवाहा प्राथमिक शिक्षा तिघरा, नीना गुप्ता माध्यमिक शिक्षा सिरसौद, कलेक्टर प्रतिनिधि उपयंत्री बी के शर्मा सहित केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर की कार्यवाही का प्रतिवेदन पुलिस को सौंप दिया, जिस पर कोतवाल थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। सर, एक आपके केंद्र में फर्जी परीक्षार्थी पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? ये कक्ष पर्यवेक्षक द्वारा विद्यार्थी को आइडेंटिफाई किया और तत्काल जो है उसको जो है पकड़ कर पुलिस ने भेज दिया। किस क्लास का? कक्षा 10 में दूसरे की जगह आके बैठा था, टीचर ने उसको आइडेंटिफाई किया और भेज दिया जी। तो प्रकरण दे, अब क्या FIR दर्ज कराई? बिल्कुल, हाँ, जो भी वैधानिक कार्रवाई इस संबंध में की जा सकती है वो की जा रही है। थैंक यू। आज दिनांक कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा थी, जिसमें एक छात्र दूसरे छात्र की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया था, जिस पर से केंद्र अध्यक्ष की तरफ से उक्त छात्र पर 420 की अपराध पंजीबद्ध कराया गया। क्या पूरा मामला था? प्रारंभिक पूछताछ में कुछ बताया है अभी? ये विवेचना का विषय, पूछताछ डिटेल में बाद में की जी।